माता के दोस्तों, और मैं हूँ अभी लोहे वाली दुकान पे। और यहाँ पे शुरू करेंगे अभी प्राइमर करने का काम। जो चंडीगढ़ का ऑर्डर था उसके ऊपर प्राइमर करना है, तो अभी जो सफ़ेद कलर की खिड़कियाँ थी उनको साइड कर रहे हैं ताकि उड़ के उनके ऊपर प्राइमर ना लगे। तो एक खिड़की को तो यहाँ पर रख दिया दूर, और बाकी जो दो खिड़कियाँ बची उनको रख दिया यहाँ पर, ताकि हवा है उस तरफ की इस तरफ आ रही है मेरे पास, ताकि उड़ के इनके ऊपर ना लगे। हाँ, तो ये कुछ नग तो यहाँ पर रखे हैं, और बाकी यहाँ पे सब पे प्राइमर करके और कल को लोड करवाऊँगा इनको। अगर रह चुका तो मान लो सूख गए तो शाम तक को लोड करवा देंगे। ये देखते हैं, कुछ इनके रोशनदान अंदर की तरफ रखे हैं। और ये तैयार किया हमारा प्राइमर, इसमें से निकाल के और इसमें मिला लिया तेल, क्योंकि एक गन में चलेगा तो तेल ज़्यादा मिलाना पड़ता है। कंप्रेसर शुरू हो चुका है, अब इसमें हवा बढ़नी चालू हो जाएगी, और बढ़ने के बाद फिर ये डाल लेंगे और उसके साथ प्राइमर करेंगे। और ये नग भी हो रहे हैं चंडीगढ़ वाले तैयार, तो ये जब तक इन पे प्राइमर लगेगा तब तक ये तैयार हो जाएंगे यहाँ पे। बाकी तैयार यहाँ पे रखे हैं, ये ग्रिल वगैरह इनकी बननी नहीं है, तो ऐसे कैसे तैयार होकर और भिजवाएंगे इनको। इस प्राइमर को हमें पतला करना पड़ता है, क्योंकि गन की जो आगे की नोजल होती है ना वो बिल्कुल पिन इतनी होती है, तो इसलिए अभी पतला ही इसमें से ही चलता है। फिर अभी ये गन फिल हो चुकी है पूरी तरह से, अब इसके ऊपर ढक्कन और लगा देंगे इसका, एक कपड़ा लगा के, ताकि लीकेज कम रहे, हवा के कारण कपड़ा गिर रहा है अभी तो। और ढक्कन लग के अभी ये तैयार है प्राइमर करने के लिए। ये पूरी तरह से नोजल खोल दी है, और अभी सबसे पहले छोटी खिड़कियों पे शुरू करेंगे। तो अभी इसमें एक तरफ से तो प्राइमर लग चुका है, अब इसको उठाएंगे फिर दूसरी तरफ पलटेंगे और फिर मारेंगे। और हवा है उस तरफ की, तो उस तरफ होने के कारण जितना भी उड़ रहा है ना ये प्राइमर, सब परली तरफ जा रहे हैं। तो इसको पलट दिया, और पलटने के बाद अब दोबारा फिर इसके ऊपर प्राइमर करेंगे। तो ये प्राइमर होके हो चुकी है अभी कंप्लीट, कुछ एक बात जो रह चुकी है सिर्फ इस पर लगेगा। ये देखिए, ये खिड़की पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे ही सभी खिड़कियों पे प्राइमर लगेगा, और फिर इनको साथ रखते रहेंगे। तो दोस्तों, जो प्राइमर लग रहा है उसको लगेगा, अभी शाम तक का टाइम लगेगा उसको लगने में और फिर सूखने में। जैसे रात को, अभी तो मौसम ठीक है तो रात को ठीक से सूख जाएगा, और सुबह के टाइम हम गाड़ी लोड करवा देंगे। और पहले गाड़ी वाले से बात करता हूँ, क्योंकि जो गाड़ी मैंने नोएडा भेजी थी ना उसी गाड़ी वाले से पूछता हूँ, उसके रेट वगैरह भी ठीक है, तो एक बार उससे बात करूँगा कि गाड़ी कितने में जाएगी, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है। और बीच में अगर रास्ते बंद ना मिले तो, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन चला हुआ अभी भी,
तो अगर बीच में रास्ते बंद ना मिले तो सीधे रास्तों पे अपना चले गए। लेकिन अभी देखता हूँ, अभी बात करता हूँ ना, तो क्या रहेगा फिर आपको अपडेट देंगे उस बारे में।